हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। और इस बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। इंग्लिश लिटरेचर का ये टॉपिक है जो है 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर। 19th और 20th सेंचुरी के जो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर है, इस लिटरेचर के मेजर राइटर्स कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या वर्क्स हैं। मेजर राइटर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर और उनके वर्क्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या KVS की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी स्कूल की कर रहे हैं या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या, कौन कौन से राइटर्स आपको पढ़ने हैं, उनके क्या क्या वर्क्स हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ सकते हैं। तो समय समय पर हम आपके लिए इसी तरह तरह से नई नई वीडियोस लेकर आते हैं जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होती हैं। इसमें हम आपके लिए जनरल नॉलेज की भी वीडियोस लेकर आते हैं, तो जिससे कि हमारी जो जनरल सी नॉलेज है वो बनी रहे। समय समय पर हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो इसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 19th और 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर के जो मेजर राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है रॉबर्ट ली फर्स्ट। इनका बॉर्न यानी कि इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में। कहां पर? US में। डाइड, इनकी डेथ हुई थी 29 जनवरी 1963 में। ऑक्यूपेशन इनका, ये क्या करते थे? ये पोएट थे और प्ले राइट थे। नोटेबल अवार्ड्स, इन्हें कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? इन्हें पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री, पोइट्री के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला, एंड कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल, और कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल भी दिया गया। एक मेन पॉइंट है फ्रस्ट के बारे में। फ्रस्ट वॉज नेम्ड पोइट लॉरीट ऑफ वर्मोंट। फ्रस्ट को पोइट लॉरीट ऑफ वर्मोंट के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम उन्हें दिया गया था। इनके मेजर वर्क्स हैं द रोड नॉट टेकन, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, बर्चेस, द रन अवे, चूज समथिंग लाइक अ स्टार, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, आफ्टर एप्पल पिकिंग, होम ब्यूरियल, द सोल्जर, अ बॉयज बिल। नेक्स्ट है अ फर्दर रेंज इन द क्लियरिंग, द काउ इन एप्पल टाइम, क्रिसमस ट्रीज, माउंटेन इंटरवल, अ विटनेस ट्री, न्यू हैम्पशायर, अ स्विंगर ऑफ वर्चेस, सीजन्स, ब्लूबेरीज, एंड फ्रॉम स्नो टू स्नो। ये थे वर्क्स रॉबर्ट ली फर्स्ट के। नेक्स्ट राइटर हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। इनका बॉर्न, इनकी बर्थ डेट है 21 जुलाई 1899 US में। इनकी डेथ हुई थी 2 जुलाई 1961 में। ऑक्यूपेशन इनका, कि नोबलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और जर्नलिस्ट थे। नोटेबल अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था? पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, फिक्शन के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, एंड नोबल प्राइज इन लिटरेचर, और लिटरेचर में नोबल प्राइज मिला था। इनके मेजर वर्क्स हैं अ फेयरवेल टू आर्म्स, द सन ऑल्सो राइजेज, अ मूवेबल फीस्ट, इन आवर टाइम, अक्रॉस द रिवर एंड इन टू द ट्रीज, टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, द डेंजरस समर, द निक एडम्स स्टोरीज, इंडियन कैंप, द किलर्स, माई ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हूम द बेल टोल्स। तो ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाई है, इसमें उसके इसके कैरेक्टर्स और एक शॉर्ट में स्टोरीज की बताई गई है, आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पर। नेक्स्ट है टू हैव एंड हैव नॉट, डेथ इन द आफ्टरनून, ग्रीन हिल्स ऑफ अमेरिका, आइलैंड्स इन द स्ट्रीम, द गार्डन ऑफ ईडन,
मैन विदाउट वुमेन, ट्रू एट फर्स्ट लाइट, विनर टेक्स नथिंग, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, सोल्जर्स होम एंड कैट इन द रेन। ये कुछ वर्क्स दिए गए हैं यहाँ पर अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे के। नेक्स्ट राइटर हैं टेड ह्यूक्स। इनकी बर्थ डेट है, टेड ह्यूक्स का जो नाम है वो एडवर्ड जेम्स ह्यूक्स है, इन्हें टेड ह्यूक्स कहा जाता है। इनकी बर्थ डेट है 17 अगस्त 1930 इंग्लैंड। डेथ हुई थी इनकी 28 अक्टूबर 1998 में। ऑक्यूपेशन इनका, ये पोइट थे, प्लेराइट थे एंड राइटर थे। इनके मेजर वर्क्स हैं बर्थडे लेटर्स, द हॉक इन द रेन, टेल्स फ्रॉम ओविड, द थॉट फॉक्स, वोडवो, रिमेन्स ऑफ एलमेंट, विंटर पोलन, द कैट एंड द कुको, डिफिकल्टीज ऑफ अ ब्राइट ग्रूम, टेल्स ऑफ द अर्ली वर्ल्ड, द कमिंग ऑफ द किंग्स, द आयरन मैन, क्रो, द आयरन वुमेन, वुल्फ वॉचिंग, शेक्सपियर एंड द गॉडेस ऑफ कंप्लीट बीइंग, मीट माई फॉक्स, मूरटाउन डेरी एंड ल्यूपकॉल। ये वर्क्स हैं किसके, टेड ह्यूक्स के। नेक्स्ट राइटर हैं वॉल्टर वॉल्ट व्हाइटमैन। इनकी बर्थ डेट है 31 मई 1819 यूएस में। इनकी डेथ हुई थी 26 मार्च 1892 में। इनका ऑक्यूपेशन था, ये पोइट थे, एसेस थे और जर्नलिस्ट थे। मेन पॉइंट इनके बारे में, ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। इनके मेजर वर्क्स हैं लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स, डेमोक्रेटिक विस्ताज, नवंबर बोस, अ नोइजलेस पेशेंट स्पाइडर, पायनियर्स ओ पायनियर्स, मिस्टिक ट्रम्पटर, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, ओ कैप्टन माय कैप्टन, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ऑन द बीच एट नाइट अलोन एंड गुड बाय माय फैंसी। ये कुछ वर्क्स हैं किसके, वॉल्टर वॉल्ट व्हाइटमैन के। नेक्स्ट राइटर हैं नथानियल हॉथोर्न। इनकी बर्थ डेट है 4 जुलाई 1804 यूएस। इनकी डेथ हुई थी 19 मई 1864 में। इनका ऑक्यूपेशन है, ये नोबलिस थे, डार्क रोमांटिक थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनके मेजर वर्क्स हैं द स्कारलेट लेटर, द हाउस ऑफ द सेवन गेट्स, द मार्वल फॉन, टेंगल बोट टेल्स, द ग्रेट स्टोन फेस, द वाइफ्स ऑफ द डेड, ट्वाइस टोल्ड टेल्स, फैंशो, द बर्थ मार्क एंड द इंग्लिश नोटबुक्स। ये मेजर वर्क्स हैं नथानियल हॉथोर्न के। नेक्स्ट राइटर हैं एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। इनकी बर्थ डेट है 10 दिसंबर 1830 यूएस। इनकी डेथ हुई थी 15 मई 1886 में। और इनका ऑक्यूपेशन, ये पोइट। मेजर वर्क्स इनके, फेथ is a fine invention, much madness is divinest sense, wild nights, wild nights, I heard a fly buzz
When I tight. I'm nobody. Who are you? Hope is the thing with feathers. Tell all the truth, but tell it slant. Success is counted sweetest. If I can stop one heart from breaking. Because I could not stop for death. ये major works हैं एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन के. Next writer हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनकी बर्थ डेट है 26 जुलाई 1856, आयरलैंड. इनकी डेथ हुई थी 2 नवंबर 1950 में. ऑक्यूपेशन इनका, ये प्ले राइट थे, क्रिटिक थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे. नोटेबल अवार्ड्स, इन्हें कौन कौन से अवार्ड सम्मानित किया गया था, वो हैं नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925. इनके मेजर वर्क्स हैं पिग्मेलियन, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा, आर्म्स एंड द मैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, यू नेवर कैन टेल, द फिलांडरर, द मैन ऑफ डेस्टिनी, सेंट जुआन, मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, कैंडिडा, हार्टब्रेक हाउस, विडोअर्स हाउस, द डेविल्स डिसिपल, द एप्पल कार्ट एंड एंड्रोकिल्स एंड द लाइन. तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको इंग्लिश लिटरेचर के एक टॉपिक जो है आपका 19th and 20th century अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, इसके बारे में यहाँ बताया गया है, उसके मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है. आगे वीडियोस में आगे और भी एजेस के बारे में यहाँ पर आप बताएंगे, आपको आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि अभी KVS का भी एग्जाम होना है और नवोदय आर्मी है, आर्मी स्कूल का एग्जाम है या DSSB के एग्जाम है, इनके लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही ये सिलेबस है, इनमें से ही पूछे जाते हैं. तो उसकी तैयारी के लिए आप ये वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.